नाउ एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 5 लेट ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 बी इज इक्वल टू 2, 4, 5, 6 एंड सी इज इक्वल टू 2, 3, 6, 8 फाइंड पार्ट 1 इज ए माइनस बी क्रॉस बी माइनस सी। इसको फाइंड करने के लिए हम क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 है, ए के एलिमेंट दिए हुए हैं और ए बी सी के एलिमेंट आपको दिए हुए हैं। तो पहले हम ए माइनस बी फाइंड करेंगे। ए माइनस बी फाइंड करने के लिए ए में से बी के एलिमेंट हम निकाल देंगे, तो इसमें से कॉमन जो है वो 2 जो है कॉमन है और 4 कॉमन है। हम ए में से 2 और 4 को निकाल लेंगे, बाकी जो बचेगा वो हमारा ए माइनस बी का आंसर होगा, यानी ए माइनस बी का आंसर आएगा 1, 3। नाउ बी माइनस सी, बी माइनस सी के लिए बी माइनस सी यानी 2, 4, 5, 6 माइनस 2, 3, 6, 8। तो इसमें से हम बी में से बी और सी के जो कॉमन एलिमेंट हैं वो निकाल लेंगे। बी और सी के कॉमन एलिमेंट हैं 2 एंड 6। अब जो बी में बचेगा वो हम यहाँ पर लिख देंगे, बी माइनस सी इज इक्वल टू आ जाएगा ओनली 4, 5। अब हमने इन दोनों का क्रॉस फाइंड करना है, यानी ए माइनस बी क्रॉस बी माइनस सी। तो इसको हम दोनों को क्रॉस करेंगे, यानी 1, 3 क्रॉस 4, 5। ए माइनस बी क्रॉस बी माइनस सी इज इक्वल टू 1, 4, 1, 5, 3, 4, 3, 5। इसके भी 2 to the 4 चार एलिमेंट आए हमारे पास, यानी ए माइनस बी क्रॉस बी माइनस सी का आंसर आया 1, 4, 1, 5, 3, 4, 3, 5। इसके बाकी जो हैं क्वेश्चन आपने खुद करने हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन मैं आपको पिछले सवालों में समझा चुका हूँ, लिहाजा इसके बाकी पार्ट जो हैं आपने होमवर्क में करने हैं और इसके साथ ही ये एक्सरसाइज जो है वो